friends, today I am going to start a very interesting chapter, that is Mother's Day. This is chapter 5 of Snapshot book. Class 11th का जो book है Snapshots, उसका chapter 5 Mother's Day आज हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही interesting chapter है. In this chapter, you will know the importance of mothers. What is the importance of mothers? आप जानते हैं कि जो घर में mothers होती हैं, उनका क्या importance होता है, उनका क्या role होता है? और मदर्स के अलावा जो लेडीज होती हैं उनका भी क्या इम्पोर्टेंस होता है. आप जानते हैं कि ये हमारा जो समाज है ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें मैन का प्रभुत्व है. तो इसमें जो लेडीज होती हैं, जो घर की जो महिलाएं होती हैं, उनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. जबकि हमारे मदर्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, वो हमारे सारा काम करती हैं. सुबह से शाम तक वो किचन में उनका समय बीत जाता है. तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि हमारे मदर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, या हमारे सिस्टर्स का क्या इम्पोर्टेंस है? क्या हम उनके काम में हाथ बटाते हैं? क्या हम उनकी हेल्प करते हैं? तो यहाँ पर जो मदर्स डे में इसी विषय को उठाया गया है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसेस एनी पियर्सन, मिसेस पियर्सन. सेकेंड है जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन उसका हस्बैंड है. डॉरिस पियर्सन जो कि मिसेस पियर्सन का की डॉटर है. सारी पियर्सन उसका सन है. और जो मिसेस फिट्जेराल्ड है वो मिसेस पियर्सन की नेबर है. तो स्टोरी किस तरह शुरू होती है, इसको राइटर ने एक ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया है. मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक मजाकिया अंदाज में उसने यहाँ पर बताने की कोशिश की है. अब यह देखिए जो मेन कैरेक्टर है मिसेस पियर्सन वो किस तरह की है. जो मेन कैरेक्टर मिसेस पियर्सन वो बहुत ही ऑनेस्ट एक हाउस वाइफ है, ऑनेस्ट हाउस वाइफ, और वो दिन रात अपने फैमिली के लिए काम करती है. मिसेस पियर्सन एक बहुत ही ईमानदार है एंड शी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड. वो बहुत ही ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट हाउस वाइफ है, और वो दिन रात काम करती है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए. उसके पास अपने लिए समय नहीं मिलता है, उसका अपना जिंदगी जीने का समय नहीं मिलता है. बच्चे आते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं और चले जाते हैं. हस्बैंड आता है, ऑर्डर देके चला जाता है. तो उसको लगता है वो अपनी लाइफ जी नहीं पा रही है. लेकिन इस डर से कि कहीं बच्चे नाराज ना हो जाए, कहीं हस्बैंड नाराज ना हो जाए, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है. और ये मिसेस पियर्सन की कहानी नहीं है, बल्कि ये समाज में हर जगह आप देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, पूरे माहौल में देख सकते हैं. खासकर इंडियन फैमिली है उसमें आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं दिन रात काम करती हैं, और हस्बैंड या जो सन होते हैं उनके पास काम कम होता है, या वो बाहर काम करते हैं लेकिन अपने उन लेडी मेंबर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. तो मिसेस पियर्सन के बारे में आपने जान लिया कि मिसेस पियर्सन कौन है. मिसेस पियर्सन इज अ लेडी हु इज वेरी ऑनेस्ट, हु इज वेरी सिंसियर, एंड शी डज हर ड्यूटी ऑनेस्टली डे एंड नाइट. इसके बाद जो सेकेंड कैरेक्टर है आप देखेंगे एनी पियर्सन इज द फर्स्ट कैरेक्टर. सेकेंड कैरेक्टर है जॉर्ज पियर्सन. जॉर्ज पियर्सन मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है, और वो अधिकतर समय वो बाहर फुटबॉल मैच खेलते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं. इस तरह उनका काम फुल एंटरटेनमेंट है, और वो क्लब जाते हैं, वो शरीर से मोटे हैं. तो उनका भी यही काम है कि अपनी वाइफ को डोमिनेट करना और उनको आदेश देना. हमेशा उनके लिए चाय तैयार रहनी चाहिए, हमेशा उनके लिए खाना तैयार रहना चाहिए. तो जॉर्ज पियर्सन एक ऐसे पर्सन है जो अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनसे नौकर की तरह काम कराते हैं. इसके बाद है डॉरिस पियर्सन. देखेंगे डॉरिस पियर्सन कौन है. डॉरिस पियर्सन जो है वो मिसेस पियर्सन की डॉटर है. डॉरिस पियर्सन मिसेस पियर्सन की डॉटर है, और वो एक बिगड़ैल लड़की है. वो बिगड़ चुकी है, वो पार्टी इंजॉय करती है, बाहर घूमती है. लेडी होने के नाते उसको अपने मदर को देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिखाया कि जो यंग जनरेशन होते हैं, जो आजकल के बच्चे होते हैं, वो अपने मदर को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. एक लेडी को कम से कम इम्पोर्टेंस देना चाहिए. लेकिन डॉरिस पियर्सन को यहाँ दिखाया गया है कि वो एक मॉडर्न जनरेशन की है, और उसके लिए मदर का कोई रोल नहीं है. वो बाहर जाती है, पार्टी इंजॉय करती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, इस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करती है. इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है साइरिन पियर्सन. एक अन्य नाम ने लिखा है, एक है साइरिन पियर्सन. तो जो साइरिन
मिसेस पियर्सन का सन है, साई पियर्सन मिसेस पियर्सन का लड़का है, वो भी बिगड़ा हुआ है, वो भी अधिकतर समय पिकनिक में और क्लब में डांस करने में और हॉर्स राइडिंग में अपना समय बिताता है। उसके लिए भी अपनी मदर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी आता है, मदर को ऑर्डर देता है और निकल जाता है। इसके बाद से एक लेडी है मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड है वो मिसेस पियर्सन की नेवर है, उसकी पड़ोसन है। तो जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है। अगर हम दोनों लेडी की बात करें, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, तो हम ये पाएंगे कि मिसेस फिट्ज़गेराल्ड और मिसेस पियर्सन का जो कैरेक्टर है वो टोटली अपोजिट है। मिसेस पियर्सन एक बहुत ही सीधी साधी महिला है, वह घरेलू एक नौकर की तरह है, घर में काम करती है, और जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो बात करने से पता चल जाता है कि मिसेस फिट्ज़गेराल्ड किस तरह की लेडी है, वो किसी से डरती नहीं है, दोनों का कैरेक्टर अपोजिट है। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जो कि मिसेस पियर्सन की नेबर है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर वो डिपेंडेंट नहीं है, और जबकि मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड पर और अपने बच्चों पर डिपेंड है। तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड को बहुत बुरा लगता है जब ये देखती है कि मिसेस पियर्सन के साथ किस तरह हो गया है। जब मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ने देखा कि मिसेस पियर्सन के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, मिसेस पियर्सन अपनी लाइफ जी नहीं पा रही है, वो बहुत ही घुटघुट के जीवन जी रही है और वो अपने घर में कैद रहती है, वो अपनी लाइफ को जी नहीं पा रही है, वो एक नौकर की तरह काम करती है दिन रात, और इस तरह से उसका प्रेज भी नहीं होता है। तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ने मिसेस पियर्सन को एडवाइस दिया कि किस तरह से घर के मेंबर को कंट्रोल करें, उसने एडवाइस दिया। अब यहां पर देखेंगे कि जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड है वो ब्लैक मैजिक जानती है, ब्लैक मैजिक, मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ब्लैक मैजिक जानती है, और ये ब्लैक मैजिक जो है इस मैजिक के जरिए किसी भी कैरेक्टर को हम बदल सकते हैं। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड को किसकी जानकारी है, ब्लैक मैजिक की जानकारी है, जिसको उसने ईस्टर्न कंट्री से सीखा था। और उस ब्लैक मैजिक के जरिए हम किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। तो सीधी साधी जो महिला है वो एक खतरनाक स्ट्रॉन्ग लेडी बन जाएगी, और एक खतरनाक टाइप की जो महिला है वो सीधी साधी बदल जाएगी। सिर्फ महिला ही किसी के भी कैरेक्टर को चेंज कर सकती है। तो जब मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ने देखा कि मिसेस पियर्सन के साथ नौकर जैसा व्यवहार हो रहा है, तो उसने मिसेस पियर्सन को एडवाइस दिया। उसने कहा कि मुझे एक मैजिक आता है, और हम मैजिक के जरिए कहा कि तुम इस तरह से जो तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा ये जो बहुत ही जो सीधापन बिहेवियर है, उसका परिवार वाले उसका फायदा उठाते हैं। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ने कहा मिसेस पियर्सन से कहा कि ये तुम जो ईमानदारी से काम करती हो इसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठाते हैं फैमिली वाले, इसलिए तुम्हें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मिसेस पियर्सन ने कहा कि ये संभव नहीं है, मैंने बहुत कोशिश किया उनको संभालने का लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ने कहा कि मैं जादू के जरिए, मैं मैजिक के जरिए अपना कैरेक्टर तुम्हारे अंदर डाल दूंगी। अब देखिए यहां इसको समझने के लिए मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ने कहा कि मैं मैजिक के जरिए अपने कैरेक्टर को तुम्हारे अंदर में डाल दूंगी। अब दोनों का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। मिसेस पियर्सन पहले तैयार नहीं होती है, बाद में फिर वो कहती है ठीक है, वो कोशिश करेगी। इसके बाद मिसेस फिट्ज़गेराल्ड और मिसेस पियर्सन, अब देखिए इस कैरेक्टर को कैसे पहचानेंगे। मिसेस पियर्सन को जब आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, सीधे बालों वाली, सीधे चलने वाली, बहुत ही आदर सम्मान वाली एक महिला है। और मिसेस फिट्ज़गेराल्ड क्या है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आवाज में कड़क मतलब हार्डनेस है, और वो किसी से डरती नहीं है, उसका पहनावा भी अलग है। दोनों कैरेक्टर को अगर सामने रखेंगे तो अंतर बाद में
जैसे कहते हैं कहावत है कि बच्चों को संभालने के लिए डायन बनना पड़ता है, तो मिसेस फिडलर ने कहा कि तुम्हें अपने बच्चों को अपने परिवार को अगर बस में रखना है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बात तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे हस्बैंड माने, तो तुम्हें अपने कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। और कैरेक्टर कैसे चेंज होगा? कैरेक्टर चेंज होगा मैजिक के जरिए। तो एक मैजिक करती है, वो मैजिक करती है, उसको एक मैजिक आ रहा है। उसने मिसेस पियर्सन का हाथ पकड़ा और कहा कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाओ, और फिर उसने एक मैजिकल स्पेल बोला, जादुई शब्द बोला, और उसके बोलने के बाद कैरेक्टर चेंज हो जाता है। जो मिसेस पियर्सन है, जो पहले बहुत सीधी साधी महिला थी, अब एक स्ट्रॉन्ग लेडी हो जाती है। वो स्मोकिंग करने लगती है, वो वाइन पीने लगती है। मिसेस पियर्सन जो कि पहले बहुत सीधी साधी महिला थी, वो क्या हो जाती है? सिगरेट पीने लगती है, वाइन पीने लगती है, और अपना अपना खाना खुद बनाती है, खुद खाती है। मतलब एक गायन का रूप, जैसे परिवार को संभालने के लिए औरतों को कभी कभी अपना रूप बदलना पड़ता है, आदमी को संभालने के लिए अपना रूप बदलना पड़ता है। उसी तरह मिसेस पियर्सन का रूप बदल गया। जब मैजिक हुआ तो मिसेस पियर्सन मिसेस फिडलर बन गए, और मिसेस फिडलर मिसेस पियर्सन बन गए। देखने से शरीर वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर एक पावर आ गया, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस आ गया। अब क्या हुआ कि उसका लड़का आया, कहा मम्मी चाय तैयार है। उसकी लड़की आई, कहा मम्मी ड्रेस तैयार है। तो उसने कहा नहीं, कुछ तैयार नहीं है। अब मम्मी का ये रूप देखकर बच्चे औचक्के हो जाते हैं। उसे देखा कि मम्मी तो सिगरेट पी रही है, मम्मी तो स्मोकिंग कर रही है। अब उनकी हालत खराब हो गई। मम्मी ने जब डांटा, कहा नहीं तुम्हारे लिए चाय तैयार नहीं है, मेरे लिए तैयार है, जाओ अपने काम खुद करके आओ। तो मम्मी का ये रूप पहले देखा नहीं था। डॉरिस ने कहा कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, और आज मैंने सुबह ही कहा था कि मेरे ड्रेस मेरा जो ड्रेस तैयार करो, मुझे येलो ड्रेस पहनना है। तो पियर्सन तो आ चुकी फिर जरा ले, तो उसको चिढ़ाती है, अच्छा तो उसी चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जा रही हो जो बंदर जैसा दिखता है, जिसके दांत बाहर निकले हैं। अच्छा अगर मैं होती तो इस तरह का बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाती। अब जो उसकी बेटी है, उसको सपने में भी विश्वास नहीं था कि उसकी मदर जो इतनी सीधी सादी थी, आज इस रूप में कैसे आ गई। वो रोने लगती है। उसने कहा कि क्या हुआ अगर मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगी, मुझे अपना जिंदगी खुद जीना है, और तुम्हें नहीं पता मैं बाहर कितना काम करती हूँ। तो मिसेस पियर्सन ने कहा कि मुझे पूरा पता है बेटा कि तुम लोग बाहर क्या काम करते हो। तुम लोग दिन रात पिकनिक मनाते हो, तुम लोग डांस करते हो, तुम लोग बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हो, तुम लोग जुआ खेलते हो, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग बाहर काम करते हो। और जो मेरा काम है सुबह से उठकर के शाम तक खाना बनाना, ये मेरा कोई काम नहीं है। तो डॉरिस ने कहा कि दैट्स डिफरेंट, कहा तुम्हारा काम अलग है, मेरा काम अलग है। तुम्हें क्या घर में चौका बर्तन करना है, तुम्हें सुबह झाड़ू पोछा करना है, कोई काम है? काम तो हमारा है, हम जाते हैं तारामंडल, हम जाते हैं पिकनिक, हम जाते हैं घूमने, और कितना मेहनत है उसमें, डांस करने में, योगा करने में कितना।
कह रही है चलो आप पापा को तो बताते हैं। तो पापा आते हैं बहुत ही अंदाज में आते हैं और कहते हैं ओ आज मुझे सुबह ये कहना था कि शाम को मुझे चाय नहीं पीना है। ये लो पापा जो थे जॉर्ज कैसन उन्होंने आकर के वाइफ से कहा कि मैं सुबह एक बात बताना भूल गया था कि मुझे शाम को चाय नहीं पीनी है। तो मिसेस कैसन ने कहा ये तो अच्छी बात है चाय बनी भी नहीं है। तब जॉर्ज पियर्सन गुस्से में आ गए कहा क्या भक्ति हो अगर मेरा चाय पीने का मन किया होता तब। तो मिसेस पियर्सन ने कहा कि देखो इस आदमी को जिसको चाय पीने का मन नहीं है लेकिन वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने चाय तैयार करके रखा है। तो मिसेस पियर्सन ने उसको डांटा कहा कि क्या तुमने ये बिहेवियर क्लब में जाके दिखाया। तो जॉर्ज ने कहा कि क्या दिखाया। तो मिसेस पियर्सन ने कहा कि क्या कभी क्लब में जाकर कहे कि मुझे आज बियर नहीं पीना है लेकिन क्या नाराज हुए क्योंकि बियर उसने कप में नहीं डाली थी। तो जॉर्ज पियर्सन का मुंह लाल हो गया। इसके बाद मिसेस पियर्सन रुकी नहीं और कही कि तुम्हें पता है क्लब में तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है तुम्हें पॉम्पी और पियर्सन कहा जाता है तुम मोटे शरीर वाले चुलबुले आदमी हो और जो आदमी अपने घर को छोड़कर के और क्लब में घूमता रहे उसका लोग कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो जॉर्ज पियर्सन तो पागल हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ ने कभी उसको टोका नहीं था। उसे क्या पता कि मिसेस पियर्सन के आत्मा के अंदर मिसेस विटरल है। तो जॉर्ज पियर्सन को पहली बार बहुत अपसेट हो गया और उसे लगा कि उसकी वाइफ उसे मजाक उड़ा रही है। तो उसने अपने बेटे से पूछा कि तुम तो मेरे साथ गए हो एक बार क्लब में क्या मेरा मजाक उड़ाता है। अब तो वो भी ठहरा बाप का बेटा तो उसने कहा हाँ पापा मजाक तो उड़ाया जाता है। तो जॉर्ज पियर्सन का मूड ऑफ हो जाता है लेकिन मिसेस पियर्सन जो फिट्ज़गेराल्ड मिसेस पियर्सन बनी थी वो भी देखने आती है उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि अब बहुत ज्यादा हो गया बच्चे बहुत परेशान हो गए। तो उसने मिसेस पियर्सन से यानी मिसेस पियर्सन ने मिसेस फिट्ज़गेराल्ड से रिक्वेस्ट किया कि अब हमें कम बैक कर लेना चाहिए। फिट्ज़गेराल्ड ने कहा कि चलो फिट्ज़गेराल्ड ट्राई करते हैं। पियर्सन ने कहा नहीं बच्चे बहुत परेशान हो गए अब हमें कम बैक करना चाहिए। तो कहा ठीक है फिर दोनों हाथ पकड़ते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। अब मिसेस पियर्सन मिसेस पियर्सन बन जाती है और मिसेस फिट्ज़गेराल्ड मिसेस फिट्ज़गेराल्ड बन जाती है। अब जब बच्चे देखते हैं कि मिसेस पियर्सन जो कि उसकी मदर है वो बहुत कूल दिखाई दे रही है गुस्से में नहीं है स्माइल कर रही है तो पास में आते हैं। इससे